डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो है हम आपको दिए हुए रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित करना बताएंगे। तो वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपको हम जो है इसको संतुलित करने का एक शानदार ट्रिक बताएंगे जिससे आप कोई भी कठिन से कठिन रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है और इसको जो है हमें संतुलित करना है। तो किसी स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था, इसलिए आज हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा। अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम उस शानदार ट्रिक को समझते हैं। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हमें सबसे पहले जो है तीन खानों वाली एक सारणी बना लेना है। तो चलिए सबसे पहले तीन खानों वाली सारणी बना लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तीन खानों वाली सारणी है। तो एक सारणी में जो है हमें तत्व लिखना है और एक सारणी में जो है लेफ्ट हैंड साइड और एक सारणी में जो है राइट हैंड साइड। तो इसमें हम जो है तत्व लिख लेते हैं और इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को जो है बायां पक्ष कहते हैं और लिख लेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को दायां पक्ष कहते हैं। अब इसको जो है ऐसे कर लेना है। अब जो है हमें जो है इस रासायनिक समीकरण में जो भी तत्व भाग लिए हैं उसको जो है इसमें लिखना है। तो देखिए, इसमें सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एल्युमिनियम, यानी कुल मिलाकर यही चार तत्व इसमें भाग लिए हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एल्युमिनियम। चाहे इधर देखिए चाहे इधर देखिए, हमें जो है यहाँ पे संख्या नहीं लिखना है। हमें सिर्फ जो इस रासायनिक समीकरण में जो भी तत्व भाग लिए हैं उनको लिखना है। तो इसमें सोडियम भाग लिया है, यहाँ सोडियम लिख लेते हैं, Na को सोडियम कहते हैं। ऑक्सीजन भाग लिया है, ऑक्सीजन लिख लेंगे। हाइड्रोजन भाग लिया है, हाइड्रोजन लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद एल्युमिनियम भाग लिया है, लिख लेंगे। अब इसकी संख्या अभी यहाँ पे हमको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ तत्व के नाम लिखना है जो भी इसमें भाग लिए हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो है क्या लिखना है इसको ध्यान देना है। देखिए, इस पक्ष को यहाँ पे देख रहे हैं, इस पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और तीर के इस पार वाले पक्ष को जो है राइट हैंड साइड कहेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष यानी कि बायां पक्ष यही है। तो इसमें जो भी तत्व जितनी संख्या में भाग लिए हैं उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम दिया हुआ है, तो सोडियम की संख्या कितनी है, एक है, यानी कि बाएं पक्ष में सोडियम कितना है, एक है ना, तो यहाँ पे एक लिख लेना है। उसके बाद जो है अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड ए वाला पक्ष है। तो अब इसमें सोडियम देखते हैं कितनी है संख्या इसकी, देखिए एक ही सोडियम यहाँ पे है, एक लिख लेंगे यहाँ पे। अब ऑक्सीजन देखते हैं बाएं पक्ष में, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक, और यहाँ पे तीन, यानी कि एक धन तीन, यानी कुल मिलाकर कितना है, चार है। अब इसके बाद राइट हैंड साइड में देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, देखिए यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक 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 है, यानी कुल मिला के तीन है, यानी यहाँ पे दो और यहाँ पे धन एक, कितना हो गया टोटल, तीन हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, देखिए एक ही हाइड्रोजन है तो एक लिख लेंगे यहाँ पे। अब इधर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो है, यानी कि राइट हैंड साइड में लिखा है ना यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दो। अब देखिए यहाँ पे बाएं पक्ष में एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम कितना है, दो, तो यहाँ पे दो लिख लेंगे। अब राइट हैंड साइड यानी कि दाएं पक्ष में देखते हैं एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखिए एक है, तो एक ऐसे लिख लेंगे। अब देखते हैं इसमें कौन कौन बराबर है, तो देखिए सोडियम बराबर है, यहाँ पे ऑक्सीजन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन भी बराबर नहीं है और एल्युमिनियम भी बराबर नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए
तो यहाँ पे सोडियम ही बराबर है, बाकी और इसमें कोई भी तत्व बराबर संख्या में नहीं है। तो इसी को जो है हमें संतुलित करना है। तो चलिए जो है हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इसमें जो है चाहे आप जो है पहले ऑक्सीजन को संतुलित कर लीजिए, चाहे हाइड्रोजन को, चाहे एल्यूमिनियम को, जो इच्छा कहे। तो इसमें हम तो जो है सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, एक है, और राइट हैंड साइड में कितनी है, दो है। यानी कि जो है इन दोनों को आपस में बराबर करना है। यानी कि इसमें दो दिया हुआ है, इसको भी दो करना पड़ेगा। तो दो करने के लिए इसमें दो से हम गुणा कर देंगे, गुणा कर दीजिए, दो इकन्नम दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है हाइड्रोजन कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, ए है हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन भी गुणा में है और सोडियम भी गुणा में है। तो जब जो है हाइड्रोजन में दो से गुणा होगा तो साथ में जो है सोडियम में भी गुणा होगा और ऑक्सीजन में भी गुणा होगा। यानी कि यहां से इसमें गुणा कर देंगे। अब जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ जो है सोडियम में भी दो का गुणा हो रहा है, ऑक्सीजन में भी दो का गुणा हो रहा है। यानी कि सोडियम में वृद्धि होगी और ऑक्सीजन में भी वृद्धि होगी। तो सोडियम देखिए कितना हो गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए यहाँ पे सोडियम बढ़ गया, नहीं एक था, अब दो से जब इसमें गुणा हुआ तो ये दो हो गया, और ऑक्सीजन में भी गुणा हुआ है दो का। यानी कि ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, ये दो हो गया। यानी कि इधर देखिए ऑक्सीजन दिया हुआ है ना, पहले ऑक्सीजन में कितनी वृद्धि हुई, दो की ना, दो हो गया, बाकी तीन तो है यहाँ पे। यानी कि अब ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर तीन दो पांच, यानी कि चार से कितना हो गया, पांच हो गया। अब देखिए क्या बराबर है क्या नहीं बराबर। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर हो गया, एल्यूमिनियम बराबर नहीं है, ऑक्सीजन भी बराबर नहीं है और सोडियम भी बराबर नहीं है। अब चलिए जो है एल्यूमिनियम को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है लेफ्ट हैंड साइड में दो है और राइट हैंड साइड में कितना है, एक है। तो इसके बराबर इसको करना पड़ेगा, तो इसको भी दो बनाना पड़ेगा, दो से इसमें गुणा कर देंगे, तो दो इकन्नम दो। तो एल्यूमिनियम देखिए कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में, देखिए यहाँ पे है। तो एल्यूमिनियम में जब गुणा करेंगे, साथ में ए भी सब गुणा में है, तो यहाँ इससे गुणा हो गया। यानी कि दो से गुणा करेंगे, सोडियम में भी गुणा होगा और ऑक्सीजन में भी गुणा होगा। तो अब वृद्धि कहाँ हो रही है, देखिए एल्यूमिनियम तो दो हो गया, लेकिन साथ में सोडियम भी दो हो गया, भाई सोडियम में गुणा हो रहा है दो का, तो यहाँ पे सोडियम कितना हो गया, दो हो गया, और साथ में जो है एल्यूमिनियम कितना, साथ में जो है ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है क्योंकि गुणा हो रहा है, तो दो दूना चार, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो गया इधर, चार, ये बन गया कितना, चार। यानी कि इस ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, ये कितना हो गया, ये चार। अब जो है ये चार हो गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा ही है पहले से, अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, टोटल पांच हो जाएगा। अब देखिए क्या बराबर है क्या नहीं, देखिए सोडियम बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, एल्यूमिनियम भी बराबर हो गया। तो इस तरह से जो है हम इस शानदार ट्रिक के माध्यम से आसानी से इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे। तो ट्रिक आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।